तो गाइस बाइक मैंने ले ली, बाइक मैं चला रहा हूँ और अभी जो मोटो ब्लॉग आप देख रहे हो छोटा मोटा, ये देख रहे हो मेरे फोन से। Hey, welcome back to my channel. This is me, your brother Danish. तो भाई hope करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई आज दिख रहा है ऑटो में, नया अवतार है, मतलब कि मैं जा रहा हूँ हीरो के शोरूम बाइक लेने। फाइनली वो दिन आ गया है गाइस, एक्साइटमेंट पूरी है। और ये लगा लो अभी रोड पे हूँ तो भाई पूरा बाहर से शोर शराबा बहुत आ रहा है, तो भाई थोड़ा अवॉइड करना। बाकी आज का दिन बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत दिनों से वेट कर रहा था मैं भी और आप भी। काफी सारे डीएम आ रहे थे भैया कब लोगे, तो आज वो दिन आ गया है गाइस कि मैं बाइक लेने फाइनली जा रहा हूँ अपने लिए और आप लोगों के लिए भाई। तो आने वाली वीडियो जो होंगी बहुत ज्यादा तहलके भरी होंगी, मतलब स्प्लेंडर पर राइड करने वाला हूँ लंबी। तो जैसे जैसे राइड प्लान होती जाएंगी वैसे वैसे हम राइड करते जाएंगे। हाँ ये होगा कभी मैं पल्सर लेके जाऊंगा, कभी ये लेके जाऊंगा, हाँ लेकिन राइड पे लेके जाऊंगा ही जाऊंगा इसको, ठीक है गाइस। और BA6 से जुड़ी सारी वीडियोस मिलने वाली है आने वाले टाइम में, तो सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लो। बाकी मैं मोटो ब्लॉग सेटअप नहीं लेके जा रहा हूँ, हेलमेट तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के नियर में है, नियर मतलब कि 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस मैंने कहा चलो भाई अकेले जाना है तो भाई पैदल तो जाने बनता नहीं है, तो भाई ऑटो कर लेते, तो ऑटो कराया हमने और मैं फटाफट से पहुंचा हीरो के शोरूम, वहां से बाइक लेते। गाइस मैं आ चुका हूँ हीरो के शोरूम और ये खड़ी है अपनी बुलबुल, मतलब इसका नाम मैंने सोचा हुआ, नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। सामने है मयंक भाई अपना। सो गाइस मैं आ चुका हीरो के शोरूम और यहाँ पे राजेश भाई जो है जिनसे मेरी बातचीत चल रही है मतलब लेने के लिए, तो वो भी आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, उनसे बात हो गई है। तो अभी फिलहाल मैं शोरूम में वेट करता हूँ उनका और जैसे ही वो आते हैं फिर यहाँ से डिलीवरी लेके निकलते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ ऊपर गोडाउन में और यहाँ पे होगी पहले बाइक की PDI, उसके बाद ही हम बाइक यहाँ से लेंगे मतलब डिलीवरी। और PDI की प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है एक अपने चैनल पर, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा, देख लेना। और बाकी अभी जैसे कि भैया लेके जा रहे हैं इसकी PDI होगी, एक भाई और लेना है उनकी, उसकी बाइक की भी PDI होगी। तो जैसा भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि PDI एक्चुअल में होती कैसी है और आपको किस किस चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। स्टे ट्यून, आपको मैं आगे दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। भाई जी निकाल दिए भैया ने बाइक और अभी भैया जो PDI करेंगे वो सब चेक करेंगे, अपने बैटरी डालेंगे, सब कुछ चेक करा करेंगे। मतलब कि जब भी आप लेने आओगे तो मरगाड वगैरह चेक कर लेना, आगे जो फेंडर है वो स्क्रैच तो नहीं है उस पर कहीं पे, अलॉय व्हील वगैरह कहीं से बेंड तो नहीं है, ये टायर की जो ग्रुप होते हैं मतलब कि जो दिख रहे हैं ना आपको जो छोटी छोटी फ्लिक्स दिख रही है ना, तो ये देख लेना ये पूरी है कि नहीं है। और प्लस जो इसका मीटर होता है वो देख लो आपके भी कितने चला हुआ है, ज़्यादा चला हुआ तो नहीं है। ये कॉर्नर चेक करने होते हैं, ये चेक करना होता है, लेग गार्ड पूरा चेक करना होता है, ठीक है। ये होते हैं, ये चेक करने वाले होते हैं, एग्जॉस्ट पूरा चेक करने वाला होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चेक करनी चाहिए बाइक लेने से पहले, डिलीवरी लेने से पहले, आप करो। तो डिलीवरी लेने से पहले ये सब चीज़ चेक करी जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक बार डिलीवरी हो गई उसके बाद आप आगे यहाँ पे क्लेम करोगे कि भैया ये इसमें स्क्रैच लगा हुआ है तो ये लोग मानेंगे नहीं, बिकॉज ये इनको मतलब ये तो अपनी तरफ से पूरी ओके देंगे गाड़ी आपको, है ना। तो आपको जब भी लेनी हो गाड़ी कभी भी तो आप चेक करके लो हमेशा, कभी भी ऐसा ना हो कि आप बिना देखे गाड़ी लेके जाओगे, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर आप मतलब खुद ही जिम्मेदार होगे, ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे कि पीछे का मरगार्ड देख सकते हैं वाला, ये मरगार्ड हो गया एकदम फ्रेश है, गंदा नहीं है, कहीं स्क्रैच नहीं है। ये पीछे का देख लो ग्रैब रील जो बोलेंगे इसको, ये भी ठीक है, इंडिकेटर्स ठीक हैं दोनों, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती चेक करने वाली, पर बंदे को चेक करना ज़रूरी होता है कि भाई चेक करे और उसके बाद ही गाड़ी ले, ठीक है ना। बाकी आप देख लो यहाँ पे सब कुछ तो मुझे ओके लग रहा है, इवन स्टैंड देख लो, स्टैंड ये देख लो पेंट नहीं हटा हुआ इसका, ये भी ठीक है, स्क्रैच इधर इधर कहीं भी नहीं है। तो एक तरह से ये PDI होती है, इसी को बोलते हैं PDI, मतलब कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो हम देख रहे हैं इसको तो हम इसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो गाइज यहाँ पे मयंक भाई ने लिया है इसकी चेसी की मार्किंग, देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग आ रही है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे चेसी की मार्किंग, वो यहाँ पे ले लिया है इन्होंने, ठीक है ना। इससे क्या हुआ गाड़ी है, ये अथॉरिटी आता है ना भाई, हाँ ठीक है। और बाकी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं अपने दोनों शीशे, ठीक है। अभी इसके अंदर इंस्टॉल होगी अपनी क्या बोलते हैं बैटरी, ये रहा बैटरी का केम्बल, बैटरी इंस्टॉल हो जाएगी और साथ में इसकी जो प्लेट आती है प्लेट आएगी, जो कैथलेटिक कन्वर्टर उसकी प्लेट, और तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ अभी पैर फिसल जाता है अभी मेरा तो यहाँ पे सीट कवर लगेगा एक, और बस और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, लेग गार्ड लगा लगाया मिल गया, साड़ी गार्ड जो है वो लगा लगाया मिला हुआ है, ठीक है ना।
और जैसे भी होता है कि मैं आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन ये कि नॉलेज मिल जाएगी आपको, जब नई बाइक आप खरीदने जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो उस चीज़ की नॉलेज बहुत मिलेगी। देखो सेंसर के वायर है मयंक भाई, ये वायर ऐसी लटका रहेगा क्या? ये ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसे रहता है। तो एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, और भी काफ़ी सारे सेंसर थे इसके अंदर, एक्सेंस टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसके अंदर। i3s गाड़ी है, i3s ये रहा यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो भी। हाँ तो भाई ये लगा रहे भैया यहाँ पे क्रोम फिनिश वाला, इसको क्रोम ही रहने देंगे एज इट इज़, और बाकी इसका कैथलेटिक कन्वर्टर का ब्लैक होगा, आई थिंक ब्लैक ही आता है मेरे ख्याल से। हाँ जैसे कि उसमें लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा, मतलब क्रोम और ब्लैक का ना सही लगेगा काफ़ी हद तक। और बाकी काफ़ी दिन मतलब कुछ टाइम तक मैं रखने वाला हूँ भाई ये साइड ग्लास। बैटरी भी है, ड्राई होती है, एमरॉन है, सही है। तो गाइस यहाँ पे एमरॉन की बैटरी मिलती है हमारे कंपनी तरफ से, ड्राई बैटरी मिलती है। तो कनेक्शन भैया अभी कर देंगे इसके, उसके बाद पूरी बाइक जो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा ऑयल जो है मैंने अभी चेक किया इसके अंदर, जब भी आप कभी बाइक परचेज करते हो तो ऑयल मेक श्योर चेक करवा लो या कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा सीन सुनने में आया है कि इंजन ऑयल ही नहीं था उसके अंदर गाड़ी में, ठीक है। सो मैंने चेक कर लिया इसके अंदर 750 ml बता रहे हैं भैया, मतलब 750 ml, क्योंकि फर्स्ट सर्विस होगी उसके बाद फिर इसमें 900 ml जाएगा, जैसे कि बताते हैं कि 900 ml, और बाकी 500 किलोमीटर तक इसको चलाना है हल्के, और अपना 500 किलोमीटर के बाद जब सर्विस कराएंगे तब 900 ml इसमें तेल जाएगा, मतलब ऑयल। तो अभी फिलहाल भैया कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो ही गया, खाली एक सीट कवर है वो डल जाएगा, और उसके बाद अपना गाड़ी यहाँ से लेके निकलेंगे, ठीक है। तो ये लगा दिया भैया ने इधर, इसका कनेक्शन हो गया, ये अपने लाइट आ गई देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, लाइट आ गई। गाइस यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देख लो, यहाँ पे साइड इंडिकेटर, साइड स्टैंड का इंडिकेटर आ रहा है, ये FI का अपना साइन आ गया, और ये न्यूट्रल का आ गया। यहाँ पे स्टैंड कर देंगे ऊपर, तो यहाँ पे जा चुका है, इंडिकेटर चेक कर लेते हैं, इंडिकेटर वर्किंग है राइट साइड, बोथ आर साइड वर्किंग, और भाई अपना न्यूट्रल जल रहा है, इंडिकेटर की इधर जल रही हैं, ठीक है, और क्या होता है बस, और फॉरन भी सही चल रहा है, ब्रेक लाइट चेक कर लो, ठीक है, नीचे से जल रही है, नीचे से नहीं जल रही लगेगा, ओके। गाइस भैया ने कनेक्शन कर दिया है, मतलब हैंड ब्रेक से तो इसके पीछे की लाइट जल रही थी, बट अब जो है नीचे वाले ब्रेक से भी ये जल रही है, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट बिल्कुल। और बाकी हेडलाइट वेडलाइट तो भाई जलेगी नहीं वैसे, क्योंकि इसमें जो है AC कनेक्शन है, DC है नहीं, तो हम बाद में DC कराएंगे, क्योंकि इसका जो ऑलवेज जो लाइट ऑन रहती है वो मेरे को पसंद नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि ऑन मतलब दिन में जलती रहे। लाइट वाइट में कोई चेंजेस नहीं करूँगा, इस गाड़ी के अंदर जो चेंजेस होंगी वो छोटी मोटी होंगी, क्योंकि इस बाइक से राइड्स करनी है हमारे को, अफलातून करना होगा, तो वो सिल्वर वाली गाड़ी है उसके लिए करने के लिए, ठीक है ना। बाकी देख लो भाई कैसी लग रही है, ठीक है। देखो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है गाड़ी का फाइनेंस का, देखो भैया बना रहे रिसिप्ट वगैरह, मैंने अपना पैन कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, अपना आधार कार्ड दिया हुआ है, 4 चेक मैंने दिए हैं यहाँ पे रखे हुए साइन करके, मैंने ब्लैंक चेक दिए हैं, तो जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाकी मैंने कहा आपको दिखाऊं, ताकि जो बंदा सोच रहा है लेने की, फाइनेंस करा रहा है, देखो मैं तो कोई मोटिव है कि भाई फाइनेंस क्यों करा रहा हूँ, मैं एक वजह है, ठीक है, बाकी काफ़ी बंदों की मजबूरी होती है भाई फाइनेंस करानी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ रहेगी कि हाँ भाई कैसे कैसे रहता है। तो आने वाली वीडियो में मैं डिटेल भी पूरी देने वाला हूँ कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, और कैसे कैसे आपको बाइक मिलती है, ठीक है। तो कंटिन्यू करना वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है, डीप नॉलेज मिलने वाली है, और आगे भी आपको डीप नॉलेज मिलेगी बाइक से रिलेटेड, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहूँगा, ठीक है। तो भाई एक्साइटमेंट के चक्कर में थोड़ा नर्वस तो अकेला आया हूँ मैं, ठीक है, राजीव भाई आते लेकिन उनका यार ट्यूसडे फ्री होते हैं वो, तो ट्यूसडे तक का टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाई 3-4 दिन से रोज डेली फोन आ रहे हैं मेरे पास कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं जो हूँ लेट लतीफ में आ नहीं पा रहा था कामों के चक्कर में, तो आज मैंने कहा चलो जाके ले आते हैं, बाकी तो वीडियोज बनाते रहेंगे तो राजीव भाई के साथ भी इन्जॉय करेंगे, वो तो कह रहे थे भाई मुझे पार्टी खानी है, तो उनको तो पार्टी खिला देंगे। गाइस काफ़ी मोटी फाइल है, साइन करते करते मतलब थक गया मैं, और बाकी साइन यहाँ पे रह गया, एक दो जगह रह गए वो भर के, और फटाफट इसके बाद भी कोई काम हुआ ये चेक को क्या कर रहे हो भैया? अकाउंट पे कर रहे हो ना, ठीक है, फाइनेंस कंपनी का नाम भी डाल। अच्छा अच्छा
तो गाइस कुछ ऐसा होता सीन, यहाँ मेरे साइन आ गए हैं, यहाँ भी इन्हें अकाउंट पे कर दिया है, यहाँ पे जो फाइनेंस कर रही है, कौन सी कंपनी फाइनेंस कर रही है, आईडीएफसी फाइनेंस कर रही है, मतलब मेरी बाइक को मेरा लोन जो है फाइनेंस जो हो रहा है वो आईडीएफसी बैंक कर रही है, तो वो उसका नाम डाल रहे हैं, ठीक है ना, जो भी होगा। अच्छा ये भैया जैसे कि इसकी ईएमआई जब पूरी हो जाएंगी तो एनओसी मिलती है बैंक से, तो फिर ये चेक भी रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये रखे रहेंगे वहाँ पे हैं? अच्छा फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये प्रोसेस होता है कुछ, बाकी जो है डिटेल में आपको मैं बताऊंगा वीडियोस में, बाकी जो आपने देखा प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। बाकी छोटा छोटा मैं आपको बताया, तो चार चेक, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और बाकी जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है वो सब देख के ना उसी की आप पे गाड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और डाउन पेमेंट जो रहने वाली है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज अपना जो इंश्योरेंस है 5 साल का वो निकल के आ चुका है, जैसे कि ये रेट की पॉलिसी डेट और इसकी मिडनाइट, ये देखो जरिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये 21 तारीख से और आपका 21, 8, 24 और 25, मतलब 25 तक चलेगा, ठीक है ना। तो 5 साल का मिलता है और 1 साल तक का जीरो डेप्ट है, मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी होता है खुदा ना खास्ता तो भाई 1 रुपया नहीं देना और गाड़ी हमें मतलब फिर दोबारा फ्री में ठीक होकर मिलेगी। और 4 साल का पता नहीं क्या तिकड़मबाजी है, वो अलग है, मतलब इंश्योरेंस है, मतलब चलान वाला नहीं कटेंगे। गाइस अपने डॉक्यूमेंट जो थे सारा मतलब प्रोसेस था डॉक्यूमेंट का सारा कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है, यहाँ से हमारे को सामान कुछ प्रोवाइड होगा, आप क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ऐसा कुछ स्टोर रहने वाला है यहाँ पे हीरो के अंदर शोरूम में, तो भैया क्या क्या मिलने वाला है यहाँ से? टूल किट, सर्विस बुक और वो मिलेगा सर का हेलमेट। तो गाइस हेलमेट भी मिलेगा यहाँ से, और जैसे कि मैं नीचे देख रहा हूँ एक टूल किट भैया बना के देंगे, ठीक है, और सर्विस बुक यहाँ से मिल रही है, और एक हेलमेट मिलेगा एवरेज, ठीक है, और एक क्या मिलेगा? सीट कवर, हेलमेट लॉक, ग्रिप कवर। चलो का जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, नंबर राजेश भैया का मिलेगा, ये यहाँ पे फाइनेंसर है, ठीक है, जो भी कांटेक्ट करना हो मतलब फाइनेंस के लिए तो आप कर सकते हो डिटेल के लिए। बाकी यहाँ पे हमारे पवन भाई मिलेंगे, पवन भाई ऑडियंस को हेलो बोल दो, इनको आपने पहली वीडियो में देख रखा है, एक्सपर्स की वीडियो में काफी सारे बार आए हैं भाई हमारे। तो भाई अभी फिलहाल जो है काम हो गया अपना, ओके, एक फास्ट एड बुक मतलब किट मिल गई यहाँ पे, टूल किट मिल गई है, और जो भी सामान मिलेगा आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये स्प्लेंडर का हमारा मिल गया सीट कवर, ठीक है, और स्प्लेंडर के अंदर जा रही है भाई क्या ये हेलमेट लॉक मिल रहा है, तो ये आपका बजर आ गया, ठीक है, ये हाँ ग्रिप हो गई, ठीक हो गया, कोई बजर नहीं रहने दे, बजर नहीं चाहिए भाई सब मुझे, नहीं टिंग नहीं चाहिए मुझे, हाँ बस खाली देखो भाई बजर जो है मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ये अपना सामान मिल गया। हेलमेट भैया साइज होते हैं हेलमेट में या? जी बिल्कुल सेम साइज होता है, सबका सेम साइज है, ठीक है। तो गाइज ये मिल रहा है हमारे को हेलमेट, ठीक है। गाइज हेलमेट चेकआउट करो, फुल देख रहे हो ये, तो फुल मैट फिनिश मिल रही है, फुल रफ एंड टफ हेलमेट है, ज्यादा महंगा नहीं, 100-200 रुपए वाला हेलमेट लग रहा है, लेकिन ठीक है। चिक पैड देखो, पुछ हो रहे हैं चिक पैड। तो ठीक है यार, फ्री में क्या है, फ्री में ये इंक्लूड है पैसों में, इंक्लूड है, और तेरी और नीचे तो पैसे कट जाते, कितने कटते भाई? 800 रुपए तो कटवा दो यार, हीरो कितने का है? 200 रुपए और दे दूंगा मैं, हाँ तो वो दो ना यार, ये रहने दो भाई, ये हेलमेट समझ में नहीं आ रहा है, 300-400 वाला हेलमेट है वो लेके, अच्छा वाला हेलमेट। सारे काम कंप्लीट हो गए, हेलमेट जो है मैं रिटर्न कर दिया, हेलमेट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि 800 रुपए वर्थ नहीं थे उस हेलमेट के, हेलमेट ऑलरेडी मेरे पास घर में 4 टाइम में मैं नया हेलमेट एक और लेने वाला हूँ, उसकी कीमत रही कम से कम 5,000 रुपए, तो यहाँ से लोकल में क्यों दूं हेलमेट, है ना। और जो हीरो का अपना है मतलब ब्रांडिंग वाला, इसमें हीरो की ब्रांडिंग हो रखी है, वो 1,000 रुपए का था, मतलब कि 800 का तो वो लोकल सा मिल रहा था जो मैंने आपको दिखाया, बट 1,000 रुपए का और थोड़ा सा अच्छा था, उस पर हीरो का नाम लिखा था और कुछ नहीं था उसके अलावा। तो भाई मैंने कहा मेरे को चाहिए नहीं, तुम डिडक्ट करो अमाउंट ये वाला 800 रुपए वाला, तो 800 रुपए जो इसमें से बचे, अब बचे क्या मतलब जो भी है वो देखते हैं, लेकिन मतलब 800 रुपए लेस हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के बात ये है कि 800 रुपए मैंने बचा लिए, क्योंकि हेलमेट करना है क्या, हेलमेट तो हमारा है ना, अभी हमारे को जो सामान मिल गया ये मिल गया, ठीक है, ये इनमें मिल गया सीट कवर हो गया, चेन लॉक, हेलमेट लॉक हो गया, ग्रिप देखो, ग्रिप देख रहे हो, फुल छुओ ना। भाई ये बहुत ही बेकार है। रख लेते कोई बात नहीं, काम आएगा। सारे काम खत्म हो चुके हैं, मैंने पूरा सपोर्ट करा है, बहुत अच्छा मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया मेरा, तो मयंक भाई थैंक यू सो मच। और भाई जो है अपने बाइक पीछे से लेके आ रहे हैं, बस यहाँ से लेके निकलते हैं और आगे जाके फटाफट से क्या है वो फोटो एक क्लिक करवाना है, थंबनेल के लिए फोटो भी चाहिए ना भाई, तो बस उसके बाद मैं फिर मिलता हूँ दोबारा, ठीक है। अपनी बाइक जो है वो बाहर आ चुकी है, यहाँ पे गार्ड साहब जो है गेट पास की एंट्री कर रहे हैं,
ठीक है जी। और कुछ बाइक अपनी देखने में ऐसी लग रही है, बाकी आने वाली वीडियोज होंगी वो इसी के ऊपर होंगी। और भाई स्टे ट्यून्ड, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी भाई ने गाड़ी रेडी करी है हमारी, ठीक है ना, तो बस लेके निकलते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। तो गाइस बाइक मैंने ले ली, बाइक मैं चला रहा हूँ, और अभी जो मोटो व्लॉग आप देख रहे हो छोटा मोटा, ये देख रहे हो मेरे फोन से। तो भाई ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब समझ लो खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि देखो भाई, सबके लिए ये एक आम बात हो सकती है, बट मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जो ये बाइक खरीदी है, जो डाउन पेमेंट मैंने दी है, ये समझ लो यूट्यूब की कमाई है, उसी से मैंने डाउन पेमेंट दी है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो इसी ईएमआई है, वो भी मैं यूट्यूब के ही पैसों से भरने वाला हूँ। सो भाई इसी नोट पे वीडियो को एंड करूंगा। भाई आपसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब से ना मेरे को प्लीज यार सपोर्ट करना, वीडियो शेयर करना, और भाई पूरा पूरा प्यार देना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो। और भाई बस क्या कहूँ, बस दिल खुश है भाई। एक बार सभी भाइयों को दिल से थैंक यू सो मच मेरे भाई।